हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ मिर्ची के पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं ये भज्जी। अंदर में चटपटा मसाले के साथ हरी मिर्च और उसी के ऊपर बेसन का कोटिंग, एकदम क्रिस्पी कोटिंग। मज़ेदार लग रहा है ना सुन के, इसका आप टेस्ट इमेजिन कर सकते हैं। और बहुत बहुत यमी बनता है ये रेसिपी। भरवा मिर्ची पकौड़े के साथ साथ हम पकौड़े भी बनाने वाले हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं गाइस, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आलू को कुक कर लेना है। यहाँ पर हमने आलू को प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं और इसमें अब जाएगा 1 गिलास पानी और 1/2 टीस्पून नमक। नमक डालने से क्या होता है, अच्छा से कुक होता है और खाने में टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब हम गैस ऑन कर देते हैं और 4 से 5 सीटी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं हरी मिर्च, ये बड़ी वाली है, अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और ओनियन को भी हमने बारीक काट लिए हैं और हरी मिर्च को भी हमने कट कर लिए हैं। और यहाँ पे हमने लिए हैं हरा प्याज, इसे भी हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, मिर्ची को उठाना है और इसे चिरा लगा देना है ताकि इसका जो अंदर का जो डंठल है बीच है उसे हमें निकाल लेना है ताकि हम उसके अंदर स्टफिंग भर सकें। इसी तरह सारे हरी मिर्च को चिरा लगा के इसका अंदर में बीच डंठल को निकाल लेते हैं गाइस। इस तरह से देख रहे हैं ना गाइस, तो सारे हरी मिर्च को इसी तरह निकाल लेते हैं। अंदर का जितना पोर्शन है सबको निकाल लेना है। हरी मिर्च का जो बीच है डंठल है इसे हम रख देते हैं क्योंकि हम जब पकौड़ा बनाएंगे तब हम उसे मिक्स कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये हरी प्याज को अच्छे से हमने वॉश कर लिए हैं और इसे भी हम कट कर लेते हैं। इसे भी बारीक कट कर लेना है, जब हम पकौड़ा बनाएंगे तब हमें जल्दी होगा। इसे भी कट करके साइड में रख देते हैं। इधर मेरा आलू कुक हो गया है, अब हमें क्या करना है, प्लेट में निकाल लेना है और सारे आलू का छिलका हमने उतार लेना है। सारे आलूओं को छिलका हमने उतार दिए हैं, अब हमें क्या करना है, इसे कद्दूकस कर लेना है। सारे आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। सारे आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिए हैं, अब हम यहाँ पे लिए हैं एक बाउल और बाउल में आलू को डाल देते हैं। अब हम बनाएंगे स्टफिंग भरवा पकौड़े के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कटी हुई प्याज और कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया। हरा धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं ये अजवाइन, हाथों में थोड़ा सा क्रश करके इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर नहीं ऐड करेंगे तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाते वक्त कितनी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, क्या बताएंगे, इतनी टेस्ट सच में। आप इसे मसाला को ऐसे ही खा जाएंगे, इतनी टेस्टी है। ये मसाला बनके तैयार है, अब हमें क्या करना है, इसे ढक के छोड़ देते हैं। तब तक हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं बेसन और बेसन में ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून अजवाइन, हाथों में थोड़ा सा क्रश करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक गाढ़ा घोल बना के तैयार कर लेंगे। इधर मेरा बेसन का घोल बन के तैयार हो गया है। इतने ही गाढ़ा घोल हमें बनाना है, अगर ज़्यादा पतला कर लेंगे तो मिर्चा का कोटिंग अच्छे से नहीं बन पाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसे ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम इधर मिर्ची में मसाला भर देते हैं। एक एक मिर्ची लेंगे और मसाला अच्छे से भर देंगे।
अच्छे से दबा के अंदर में मसाला भर देना है, पूरा भर भर के अच्छे से लगा देना है। इसी तरह बाकी जो मिर्ची बचा है उसे भी मसाला भर देते हैं। थोड़ा सा लंबा कर देना है और अंदर में डाल के इसे थोड़ा सा दबा देना है। अब हमें बेसन के घोल में ऐड करना है मीठा सोडा और अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद एक एक मिर्चा को डालेंगे। इधर हमने तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं, गर्म हो गया है। अब हमें एक एक मिर्चा को उठाएंगे और तेल में छोड़ते जाएंगे। मिर्चा को अच्छे से कोटिंग कर लेना है, मतलब बेसन के घोल से अच्छे से डुबो देना है। और एक एक करके हम तेल में छोड़ते जाएंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के इसे तल लेना है। जितना स्पेस रहेगा उतना ही आप इसमें डालिएगा। अच्छे से कोटिंग कर लेना है चारों तरफ। उसके बाद तेल में डाल देना है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे चला लेंगे नहीं तो चिपक जाएंगे। और चलाने के बाद हम इसमें और ऐड करेंगे। आपके पास जितना ही स्पेस रहेगा उतना ही आप इसमें ऐड करिएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस है। तो फिर चला के हम थोड़ा सा साइड कर दिए हैं और इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसे पकने में टाइम लगता है तो एक ही साथ में पक जाता है। मीडियम फ्लेम पे रख के इसे पकाना है ताकि अंदर का जो मिर्ची है वो भी अच्छे से पक जाए। कुछ देर के बाद हमें इसे चला लेना है और अच्छे से अंदर तक इसे पका लेना है। और मीडियम फ्लेम पे रख के इसे पकाना है ताकि अंदर का जो मिर्ची है अच्छे से पक जाए। अगर हाई फ्लेम करके इसे पकाएंगे तो अंदर का मिर्ची नहीं पकेंगे, वो कच्चे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे रख के इसे अच्छा से तल लेना है। ये मिर्ची बड़ा हमारे बनके तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी देखिए दोस्तों, और अच्छे से अंदर तक पक चुका है। अब हम इसे उतार के प्लेट में रख देना है। सारे मिर्ची को उतार देते हैं। इसी तरह बाकी जो बचा है मिर्ची उसे भी तल लेते हैं। और इसे भी दोनों तरफ अल्टी पल्टी करके गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेते हैं। जब तक इधर मिर्ची बड़ा पक रहे हैं तब तक हम पकौड़े के स्टफिंग बना लेते हैं। पकौड़े के लिए हमने यहाँ पे ऐड कर देते हैं हरा प्याज, हरी मिर्च का जो बीज डंठल रखे थे उसे भी ऐड कर देते हैं, और कटी हुई प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया, इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं चुटकी भर मीठा सोडा और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक आप अपना हिसाब से डालें। और थोड़ा सा हमें बेसन की ज़रूरत है तो, और थोड़ा सा एक दो चम्मच हम इसमें बेसन ऐड कर दे रहे हैं। और अच्छे से सारे चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये पकौड़े के स्टफिंग बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, गर्मा गर्म तेल में इसे एक एक करके छोड़ते जाएंगे उसी कढ़ाई में, और लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के इसे तल लेना है। हाई फ्लेम पे रख के तलेंगे तो अंदर तक नहीं पकेंगे, ऊपर में तो गोल्डन ब्राउन दिख जाएंगे लेकिन अंदर में कच्चा रह जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे रख के इसे अच्छे से तल लेना है। तुरंत इसे नहीं चलाना है, 15-20 सेकंड के बाद इसे चला लेना है और दोनों तरफ अल्टी पल्टी करके इसे पका लेना है, अभी मीडियम फ्लेम पे। ये मेरे पकौड़े बनके तैयार हो गया है गाइस। इसे भी हम निकाल के एक प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह बाकी जो बचा है पकौड़े को तल लेते हैं। तो गाइस ये मिर्ची पकौड़े और हरी प्याज के पकौड़े आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसे भी अच्छे से अल्टी पल्टी करके हम तल लेते हैं दोनों तरफ, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, भरवा मिर्ची भी और ये हरी प्याज की पकौड़े भी। पकौड़े के कितने अच्छे कलर भी दिख रहे हैं और अंदर तक अच्छे से पक चुका है। इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं।
तो गाइस ये भरवा मिर्ची और हरी प्याज की पकौड़े बनके तैयार हो गया है। आई होप मेरा ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप उसे मिस ना करें। आप इस पकौड़े को हरा धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं आप लोगों को काट के भी दिखा देती हूँ अंदर में कितना अच्छे से पक के तैयार हो गया है। देख रहे हैं गाइस, मिर्ची भी पक के तैयार हो गया है। सच में दोस्तों बहुत यम्मी रेसिपी है ये, मुंह में पानी आ जाता है देखने से ही। मैं आप लोगों को पकौड़े को भी तोड़ के दिखा देती हूँ, तो प्लीज़ गाइस बिना स्किप किए ही ये रेसिपी को एंड तक देखिएगा। मेरा ये रेसिपी देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।